नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं विक्रांत गुप्ता, मेरे साथ श्वेता है और हमारे पीछे दुबई है, पर दुबई नहीं है। कुछ दिन पहले हम दुबई में ही थे, लेकिन उम्मीद है कि आपने सलाम क्रिकेट के वो सारे एपिसोड्स एंजॉय किए होंगे, क्योंकि भारत पाकिस्तान मुकाबला और मुकाबले से पहले देश के सबसे बड़े चैनल पर सबसे बड़ा आज महाजाल होगा एक तरह से, क्योंकि अगले ढाई घंटे श्वेता ना सिर्फ क्रिकेटर्स हैं बल्कि देश में हर तरफ जाएंगे हम, पूरे मुल्क में क्या चल रहा है वो सब दिखाएंगे। यही वजह है कि सुपरहिट मुकाबला हम कहते हैं, और हमेशा हमेशा आपके लिए ये खास पेशकश भारत पाकिस्तान मुकाबला उससे ठीक पहले लेकर आते हैं, और वर्ल्ड कप में हमेशा पटखनी देते हैं पाकिस्तान को, देखिए। लेकिन लोग जो हैं इस देश के वो फिर भी चांस लेना नहीं चाहते हैं। हर जगह से चंदौली, भरतपुर, बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई, पटना, छोटा शहर हो, किसी प्रदेश की राजधानी हो, महानगर हो, हर जगह देखिए कैसे लोग इस समय हवन पूजन में लगे हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान को तो हराना ही है वर्ल्ड कप के इस मुकाबले। सही बात है। और इस शो में ना सिर्फ हम हिंदुस्तान के कोने कोने में जाएंगे श्वेता, बल्कि दुबई जाएंगे, जो कि कहते हैं ना कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। साथ ही साथ आपको इस्लामाबाद भी लेकर चलेंगे ना कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। हाँ। पाकिस्तान में क्या चल रहा है, खरीदे गए टीवी कितने, वे कहते हैं क्या चल रहे हैं नहीं, वहां पर क्या हुआ ना, इकोनॉमी कहते हैं कि सुधरेगी। हाँ। जब टीवी बिकेंगे तो इकोनॉमी सुधरेगी, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि ये भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा उनके लिए। लेकिन देखिए पूरे मुल्क में किस तरह से आज के मैच को लेकर दुआएं चल रही हैं दिन भर से। आप देखिए पूजा हो रही है, अर्चना हो रही है, और तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। लेकिन हम साथ में आपको अब दिखाते हैं कि सरहद पर हमारे जवान क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस मुकाबले के बारे में कि भारत पाकिस्तान क्रिकेट के इस दिन क्या वो इंतजार कर रहे हैं। ये बात बहुत ज्यादा जो भी भारतीय फौज को या फिर सुरक्षा बलों को वहां पर जानता है वो समझता है कि किस तरह की आतिशबाजी वहां पर भी होती है जश्न के तौर पर। अशरफ वानी ने बातचीत की है हमारे जवानों से। पूरे देश की निगाहें आज भारत और पाकिस्तान के बीच T20 विश्व कप में होने वाले मैच पर है। दरअसल अगर देखें तो कई लोगों को इस मैच का इंतजार सालों से था, क्योंकि जिस अंदाज से कोविड की वजह से T20 वर्ल्ड कप को रोकना पड़ा, और उस बीच आज जब ये महामुकाबला हो रहा है तो देश की जनता के साथ साथ देश भर के सुरक्षा बल के जवानों, सैनिकों और बाकी सुरक्षा बल के जितने भी लोग देश भर में अलग अलग जगहों पर तैनात हैं उनकी निगाहें इस मैच पर टिकी हुई हैं। दरअसल जहां एक तरफ सीमाओं पर देश के जवान जो हैं पाकिस्तान का मुकाबला करते हैं, तो क्रिकेट में क्रिकेट के खिलाड़ी हैं जो एक दूसरे के आमने सामने आज के मैच में हैं। हम चाहते हैं कि ये जो मैच हो रहा है T20 वर्ल्ड कप में, भारत ने अभी तक जितने भी वर्ल्ड कप मैच हुए हैं 5 हुए T20 में, सभी जीते हैं, और आई होप ये इंडिया भी आज भी अच्छा करेगा, और हमारी विराट कोहली को यही सब शुभकामनाएं हैं, इंडिया जीते और हमारे देश का नाम करे और चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को हराए। टीम इंडिया में कौन कौन से खिलाड़ी आपको पसंद हैं और क्यों पसंद हैं? देखो मेरे को तो जो विराट कोहली हमारा हिंदुस्तान का कैप्टन है वो सबसे अच्छा खेलते हैं, वो मेरा फेवरेट प्लेयर है, और जो KL राहुल है और बाकी सब सदस्य जो खेल रहे हैं, हमारी शुभकामना यही है जो भी चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हो वो दोनों अच्छे से मेल मिलाप से खेले, खेल की दौरान मतलब कोई दुश्मनी का भावना ना रखे, सब शांति से खेले, जो भी हारे जीते इसमें हमको कोई लेना देना नहीं है, मतलब एक प्यार की संदेश हम देना चाहते हैं उन लोगों को, प्यार से खेले, मतलब सब मिलजुल कर कर रहे, यही मेरा शुभकामना है। मुझे बताइए आपको किस प्लेयर से उम्मीद है जो भारत की बाजी जो है जो वहां पर उलट सकता है इस विश्व कप मैच में, क्योंकि दोनों टीमें काफ़ी मजबूत हैं। सर हमारे इंडिया सर है विराट कोहली, वो इंडिया का कैप्टन है, उसी पर उम्मीद है हमारी। सर यही शुभकामना कि इस बार जो पहले वाला मैच चल रहा है जीत रहा है, ऐसे भी इस बार भी जीतेगा, ये मतलब मुझे पता है कि इस बार विराट कोहली जो उसका जो टीम है वही जीतेगा। मैच का काफ़ी दिन से इंतजार है, जब से ये प्रैक्टिस मैच हो रहे हैं, और मोहम्मद शमी, KL राहुल ये अच्छा करेंगे आज, यही है। आपकी तरफ से किस तरह के शुभकामनाएं या संदेश की टीम इंडिया को? ये मैच मेरे हिसाब से इंडिया पाकिस्तान का मतलब एक शांतिपूर्ण संदेश देगा। मैं इंडिया टीम को यही शुभकामना देना चाहता हूँ कि इंडिया टीम जीते तथा पाकिस्तान को कड़ी टक्कर दे, और हमारे विराट कोहली जैसे कप्तान है टीम इंडिया को, और वहाँ जीत जरूर हासिल करवाएंगे। मेरा टीम इंडिया के लिए ये संदेश है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को जैसे हम प्रहरी हैं, जैसे हम अपने लोकतंत्र का मान बढ़ाए हुए हैं, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारे देश का नाम वो और बढ़ाएं और जीदारी से खेलें।
इंडिया टीम तो पक्का जीतता है, पक्का मार पटा ही है। इंडिया पाकिस्तान में जीतता ही जीता है, इसमें इंडिया ही जीतेगा। तो कहीं ना कहीं ये कुछ जो है ये आप इन शुभकामनाएं सुरक्षा बलों की तरफ से, सैनिकों की तरफ से टीम इंडिया के लिए, क्योंकि जहां एक तरफ टीम इंडिया देश का गौरव बढ़ाने के लिए क्रिकेट के मैदान में है, वहीं पर देश के ये जांबाज सिपाही देश की हिफाजत के लिए जगह जगह पर, चाहे वो सीमा हो, सरहद हो, वो भी पाकिस्तान से लगने वाली या फिर दूसरे इलाके हो, वहाँ पर तभी हम खुले आसमान या खुले मैदान में बिना किसी फिक्र के मैच देख पाते हैं जब ये जवान हमारी देश की रखवाली में लगते हैं। रूफ अहमद के साथ अशरफ आनी, श्रीनगर आज तक। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि मेरे पास हिंदुस्तान की हेलमेट है। ये वो हेलमेट है जो वर्ल्ड कप में कभी, ये लीजिए श्वेता जी, कप के लिए तो अभी इंतजार करना होगा, लेकिन ये हेलमेट कभी पाकिस्तान से हारी नहीं है वर्ल्ड कप में। तो तारुफ करा दे जो महाजाल हमने बिछाया हुआ है। दरअसल ये तारे तो चल रही है वहीं से, दुबई से, जब मैं और श्वेता थे और सलाम क्रिकेट आपने देखा। तो हरभजन सिंह है हमारे साथ, दो बार वर्ल्ड चैंपियन, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। थैंक यू वेरी मच। तीसरा कप अब चाहिए। मदन जी, 1983 वर्ल्ड कप, सनी भाई भी जुड़ गए हैं दुबई से, और सनी भाई तो ग्राउंड जीरो में है। सनी भाई ने आज नीले रंग की जो वो शर्ट है वो पहन लिया। श्वेता, आपने नीला नहीं पहना, मुझे समझ नहीं आया। नहीं, मैं जब भी विक्रांत, ये तो अब जग जाहिर है कि मेरा जो, मैं अगर किसी टीम का जर्सी पहन लेती हूँ तो उस टीम के लिए ठीक नहीं रहता है। तो मैंने पहले सोचा मैं ग्रीन पहनूं, लेकिन बहुत गलत सिग्नल चला गया। एक्सेप्शन थी, खैर पीली जर्सी के साथ तो आपका, लेकिन वो चेन्नई की जर्सी नहीं थी, चेन्नई की जर्सी नहीं थी। लेकिन फिलहाल क्योंकि हम सिर्फ हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ नहीं हुए, इस्लामाबाद से वसीम अकरम भी होंगे हमारे साथ, सुरेश राणा भी जुड़ेंगे दुबई से, और सबसे पहले भोपाल चलते हैं। भोपाल में रवीश है हमारे साथ, और देखिए तिरंगा क्या शान से लहरा रहा है पीछे। कमाल की बात है, सब मतलब ढाई घंटे पहले से हमने ही नहीं अपनी पेशकश शुरू की है, लोगों ने शुरू कर दिया है जश्न मनाना, इंतजार करना मैच का। जी बिल्कुल, और भोपाल में अगर आप देखें तो सुबह से ही इस मैच को लेकर उत्सुकता लोगों की इतनी ज्यादा थी कि जैसे ही मैच की घड़ियां आप करीब आती जा रही हैं, लोग सड़कों पर अभी से निकल पड़े हैं। हम क्योंकि भोपाल की उस जगह पर मौजूद है जहां पर तमाम लोग भोपाल का दीदार करने पहुंचते हैं। आपने भी जगह को कई बार देखा होगा, लेकिन अब आप देखिए लोगों का जोश। इसी भोपाल की झील पर लोग झंडा लेके निकल चुके हैं और इंतजार कर रहे हैं उस घड़ी का जब भारत पाकिस्तान का ये मैच शुरू होगा। और अभी से इनको ये लग रहा है कि ये जो वर्ल्ड कप का पहला मैच भारत के साथ पाकिस्तान का हो रहा है, इसमें हर बार की तरह जो भारत है वो पाकिस्तान को पटकनी देगा। ये तमाम क्रिकेट समर्थक हैं जो सुबह से इंतजार कर रहे हैं इस दिन का। आप ये बताएं क्या कहना है आज के दिन को लेकर। आज के पूरे युवा, आज हम राजा भोज की नगरी राजा भोज के समक्ष यहाँ पर मैच से पहले उत्सव मनाने के लिए निश्चित रूप से तैयार हैं, और हम भारत की जीत के लिए आश्वस्त है। रात को हम जोरदार आतिशबाजी करके या राजा भोज पे जोरदार नारे लगाकर और भारत माता की जय करेंगे और भारतीय क्रिकेटरों को बधाई देंगे। अच्छा, आज को लेकर के अगर हम बात करें तो क्या लगता है आपको, आप ऊपर आए, आप भी बहुत ज्यादा पाकिस्तान के साथ इस मैच को लेकर के, आप में इतना गुस्सा क्यों आ रहा है भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है? देखिए, इंडिया में क्रिकेट सिर्फ क्रिकेट नहीं होता, वह एक पर्व होता है, एक त्यौहार होता है, और हम लोग आज सब देख सकते हैं आप पूरे यूथ में कितना एंथुसियाज्म है, और निश्चित ही इंडिया सिर्फ इस मैच को नहीं लेकिन पूरा वर्ल्ड कप ट्रॉफी को लेकर ही घर आएगी, ऐसे हम पूरी तरीके से आश्वस्त है। पाकिस्तान से मैच हर बार मैच ही होता है या कुछ और? वो सिर्फ एक मैच नहीं होता, वो एक पर्व होता है पूरी तरह से, एक त्यौहार की तरह उसको हम सेलिब्रेट करते हैं, और निश्चित ही रात में जब भारत की जीत होगी तो पूरे सड़कों पर आप देखें किस तरीके से पर्व की तरह लोग निकलेंगे और उसकी खुशियां मनाएंगे। अभी से आप देख सकते हैं ऊपर तिरंगा शान से लहरा रहा है श्वेता, और ये तस्वीरें बता रही है कैसे नीले आसमान के आगे ये तिरंगा इस वक्त भारत पाकिस्तान के इस मैच को लेकर के जो जोश, जो जुनून, जो जज्बा और जो उत्साह देश के अलग अलग हिस्सों में है, उसकी एक वानगी भर है बस, जो फिलहाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हमने आपको दिखाई है कि कैसे मैच शुरू होने से पहले ये तमाम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं इस मैच का इंतजार करते करते। बस अब उस पल का इंतजार है जब ये मैच शुरू होगा और ये तमाम लोग टीवी सेट से चिपक कर भारत की जीत को देखेंगे। नहीं, हम तो उम्मीद कर रहे हैं जितना जश्न है कि ये कभी थमे नहीं, एक सेकंड के लिए इसे नहीं थमना चाहिए, और यही जोश जो होता है आमतौर पर विक्रांत, वही क्रिकेटर्स कहते हैं कि प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन मुझे लगता है अब तो सब मैच के लिए तैयार और अब स्टेडियम की ओर का रुख हो चुका है। इस वक्त बस आपकी रवाना हो चुकी है, इसीलिए मन भर के प्रेशर बढ़ा है, क्योंकि ये प्रेशर नहीं बढ़ रहा है, ये प्रार्थनाएं जा रही है उन तक। राहुल चहल के माता पिता क्या कह रहे हैं इस मैच से पहले, वो जल्दी से सुन लेते हैं। कहना है कि इंडिया वर्ल्ड कप में हमेशा जीती है, आज भी जीतेगी यही उम्मीद है, और बहुत अच्छी टीम है अपनी, और वहां पे काफी दिन से खेल रहे हैं उसमें आईपीएल में, तो सबको
उसकी कंडीशन भी मालूम है, तो साथ से उसका बेनिफिट भी मिलेगा। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इंडिया जीतेगी। प्ले 11 का भी पता नहीं है, पर राहुल यही है हमारा, राहुल आज खेले तो बहुत अच्छा करे और अपना 100% दे और इंडिया को जिताए। एक तो बेटा का वर्ल्ड कप में हुआ है, बहुत अच्छा लगा है और खेले, मौका मिले, अच्छा करे बेटा और जीते पाकिस्तान से। इंडिया जीत को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी होगी जीते, राहुल चाल के घर पे मौका मिले, अच्छा करे बेटा। ऑस्ट्रेलिया सुंदर वर्ल्ड कप में नहीं है श्वेता, चोट लग गई थी उनको और उनके बाद रविचंद्रन अश्विन को टीम में जगह मिली। तो सुंदर ने भी इंटरव्यू दिया आज तक को और कहा है कि चक दे इंडिया। You don't see India playing Pakistan every now and then. So of course this Sunday is going to be a big day for both countries, and definitely I'm sure India will start this tournament on a very high note, and I think India has to win this game and India will. As a player, do you approach that game differently? Sadly, I've never played against Pakistan, so I'll let you know once I get to play against them. What is your one message to Virat and the boys before they take on our rivals, Pakistan? I'm sure the whole country is behind all of you, and we only expect greatness from you, since you've shown us a lot of great things in the past. I'm sure India will win this World Cup, and wish you all a very, very good luck. हरभजन सिंह भी है स्टूडियो में, बच्चू वेलकम। थैंक यू। अब ये कप हो जाए, अरसे से तरस रहे हैं कि कप आ जाए, और इससे बेहतर मौका नहीं है इंडिया के पास। बिल्कुल सही कहा आपने कि इससे बढ़िया मौका क्या हो सकता है, क्योंकि पिचेस जो हैं वो इंडियन पिचेस की तरह हैं। आपकी टीम जो है अभी आईपीएल खेल के आई है, सब लोग फॉर्म में हैं, और ये मौका भी है, दस्तूर भी है, बहुत टाइम भी हो गया, 2007 को गए हुए, अब कोई और खुशी का माहौल होना चाहिए, और यही उम्मीद करते हैं कि हमारी टीम जो है इस बार बहुत खरी उतरेगी और कप जीत के लाएगी। हम तो 2011 के भी उस जश्न को अगर लगा ले मदन जी, तो भी 10 साल हो गए हैं। हाँ बिल्कुल, अब तो बस चाहिए, और जीत से आगाज आज होगा। नहीं, जीत से आगाज होगा, क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर हम अपनी टीम की एनालाइज करें तो मैं समझता हूँ कि बहुत बैलेंस टीम है, इससे बढ़िया बैलेंस टीम नहीं हो सकती। अगर ऊपर से देख लीजिए, नीचे से अगर आप ऋषभ पंत या हार्दिक पांड्या या रविंद्र जडेजा की बात करें, वो 4 ओवर में गेम को पलट सकते हैं। तो ये टीम है हमारे पास, अब यह है कि अब रिजल्ट जो है आज का दिन उनके लिए अच्छा होना चाहिए, ताकि जो उन्होंने रणनीति बनाई है वो एग्जीक्यूट प्लान करें, और मैं समझता हूँ कि जैसे टीम है जीतनी चाहिए हमारी आज। बिल्कुल जीतनी चाहिए। पसीना आ रहा है श्वेता? हल्का सा। कितना? हल्का, बहुत ज्यादा जी। आपके है? आपके हाथ में पसीना आ रहा है? ग्रिप डिस्टर्ब करने लगी। अभी इतनी आए, जब 7:30 शुरू होगा फिर देखेंगे। मैं आपको दुबई लेकर चलता हूँ जी, क्योंकि सनी भाई से अभी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि माथे पर भी पसीना आ रहा है, हाथों में पसीना आ रहा है। सनी भाई, ये तो जानना बड़ा जरूरी है कि यहाँ पर हम इंडिया में बैठ के उस मैच को इतना बड़ा एंटीसिपेट कर रहे हैं, आप चूंकि वहां पे हैं, आप ग्राउंड भी पहुंचने वाले हैं, जरा बताइए ना वहां पर क्या चल रहा है और झंडे ज्यादा किसके हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से हमने कपड़े दिखे, वो ब्लू ज्यादा, नीले नीले रंग के जो कपड़े हैं वो ज्यादा दिख रहे हैं, मैंने भी तो पहने हैं, पर ये तो हमें आईसीसी ने दिए, मतलब हर एक जो कमेंटेटर है वो यही ब्लू कलर के कपड़े पहनेगा, शर्ट पहनेगा। फर्क इतना ही है कि जो इधर की एक जो पाइपिंग बनती है वो एक लाल होती है और एक येलो होती है, तो आज मैंने वो येलो पहनी है, वो लाल क्योंकि येलो इसीलिए पहनी है क्योंकि आप जानते हैं कि अभी अभी आईपीएल जो हुई थी तो टूर्नामेंट किसने जीती थी, येलो वाले सीएसके ने, इसीलिए आज के मैच के लिए खास करके मैंने येलो वाली पहनी है, और दूसरे मैच होंगे तो वहां पे मैं लाल वाली पहनूंगा। असल में बात यह है कि कोविड की वजह से जो इतने समय तक क्रिकेट हुई भी नहीं है, और इससे बड़ा मुकाबला होता नहीं है क्रिकेट के मैदान पर, इसीलिए जो जनता है वो बहुत ज्यादा उत्साहित है, जितने हिंदुस्तानी है इस समय सब तिरंगा लिए ये सोच रहे हैं कि जीत तो हासिल करनी ही है। प्रेमा के पास चलते हैं हम सीधे कोलकाता। प्रेमा बताइए, जो स्पोर्ट्स लवर्स की सबसे बड़ा लैंड है, जो जमीन है स्पोर्ट्स लवर्स की, वो क्या आवाज दे रही है? श्वेता, आज लोगों को मौका मिल रहा है फिर से ढोल बजाने का, दुर्गा पूजा के बाद आए हम लोगों से बात करते हैं, यहाँ पे वो इंतजार कर रहे हैं कि मैच कब शुरू होगा, क्योंकि उनको यकीन है कि इंडिया जरूर अच्छी तरह से खेलेगा। आए आपसे पूछते हैं कि आपको क्या यकीन है इंडिया अच्छी तरह से खेलेगा, क्योंकि बहुत साल बाद इंडिया पाकिस्तान आज खेलेंगे मैदान पर? यकीन ही नहीं,
100% जीतेंगे, किसी भी कीमत पे जीतेंगे, ये मैच हम लोग जीतेंगे ही। ये जुनून पूरे भारतवासी में है और 11 स्टार खेल रहे हैं, 11 स्टार लेकर आएंगे कप, ये भी हम वादा करते हैं। और तुम्हें क्या लगता है, इंडिया जीतेगा? हाँ एकदम ही जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा इंडिया, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा इंडिया, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा इंडिया, जीतेगा। तो जी श्वेता, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लोगों को यकीन है कि इंडिया जीतेगा और सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि मैच कब शुरू होगा और इंडिया कैसे खेलेगा, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, पर यकीन तो है कि इंडिया जरूर जीतेगा। श्वेता, आप सिर्फ नाम पूछिए, उस बच्चे का नाम तो पूछिए, क्या जज्बा दिखाया उन्होंने, क्या पता कल चल के इंडिया के लिए क्रिकेट खेल रहे हो। और बिगुल तो इन्होंने बजाया है, अभी तक तो हम ठंडी ठंडी बातें कर रहे थे, जो उन्होंने किया ना, जीतेगा भी जीतेगा। आप पहले नाम पूछिए इस बच्चे का। तुम्हारा नाम क्या है? क्या? नाम क्या है तुम्हारा? श्रेयस जायसवाल। और यकीन क्यों है कि इंडिया जीतेगा? हाँ जीतेगा भाई, जीतेगा। लेकिन यकीन क्यों है कि इंडिया जीतेगा? अपने भारत में तो यकीन क्यों नहीं होगा? तो कह रहा है कि भारत में है तो यकीन क्यों नहीं होगा कि इंडिया जीतेगा। श्वेता विक्रांत, भजू ये पाकिस्तान से मैच है, एक अरसा था जब आप भी क्रिकेट खेलते थे, पाकिस्तान के मैच से पहले इतना हमें नहीं होता था कि जीतेंगे ही जीतेंगे, लेकिन अब शायद वक्त बदल गया है। एक चैंपियंस ट्रॉफी की वो फाइनल की हार मुझे और आपको तो ज्यादा सताती है, क्योंकि हम लोगों ने वहां पर कह दिया था मैच खेलने की क्या जरूरत है यार। उसके बाद 4 साल से पाकिस्तान से आवाजें आ रही हैं, ढूंढ के लाओ जिन्होंने कहा था मैच खेलने की। ऐसी बातें तो नहीं करते, लेकिन जब खेलते थे तब आप बातचीत हम ऐसे ही करते थे, हम ऐसे ही लोग उत्साह बढ़ा रहे थे, आप लोगों को पता होता था कि इतना ज्यादा प्रेशर है और अगर अगर कुछ उल्टा हो गया तो क्या होगा? देखिए प्रेशर तो हर मैच का ही होता है, पर पाकिस्तान का थोड़ा सा हम ज्यादा ही बना देते हैं, हमारे मीडिया, आप लोग, सब लोग मिल करके ज्यादा बना देते हैं, और कभी कभार तो ऐसा लगता है कि जैसे कि ये शायद मैच ना वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप ही होना चाहिए, क्योंकि हर दिन होगा तो हर दिन ही प्रेशर में खेलना पड़ेगा, या फिर कटे 11 ग्राम बिल्कुल, या एक ही बारी 11-15 मैच करवा दो ताकि प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाए। बट दिस इज अनबिलीवेबल, यू नो कैसे कहां से शुरू हुआ वो कारवा और जीतते ही चले आ रहे हैं, और आज भी वो मौका है हमारे पास कि वो रिकॉर्ड को बरकरार रखना है कि 13वीं बार आज पाकिस्तान को हराना है। दोनों जोड़कर तो वाकई 13वीं है आज पाकिस्तान की, तो हार होगी, 13वीं हार पाकिस्तान की आज होगी, दोनों अगर हम जोड़ लें वर्ल्ड कप और 2020 और चैंपियंस ट्रॉफी जरूर है। ये हमारे पास मौका है, आज हम जीतेंगे तो फिर हम भी बड़ी डंके की जोर से कहेंगे कि हम ही थे जिन्होंने कहा था कि हाँ भारत जीतेगा और आज भारत जीता है। कोई एक चीज जो आपको डराती हो, सताती हो, कोई एक? देखिए डर तो बस यही लगता है कि 2-4 इकट्ठे ना आउट हो जाएं हमारे बंदे, बस क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, यू नो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द अदर ऑपोजिशन एज वेल, क्यों वो भी आए हैं खेलने, वो भी अपनी मेहनत मशक्कत करेंगे, बट हम यही दुआ करेंगे कि हमारी टीम जो है वो खरी उतरे और जीत के आज भारत का झंडा जो है दुबई में लहराए। वाकई बिल्कुल ऐसा ही हो, और मैरी कॉम भी यही विशेष दे रही हैं विराट कोहली को, सुनते हैं। आप देखेंगी ये अरे खेलेगा तो देखूंगी नहीं क्या? तो क्या मैसेज देंगी विराट को मैच की सबसे पहले? मैं जो खेलेगा नहीं खेलेगा तो मेरा डिसीजन मैन मेरा हाथ में नहीं है, लेकिन जब इंडिया खेलेगा तो क्यों मैं चेयर नहीं करूंगी अपना इंडिया के लिए। आई विल चेयर फॉर इंडिया, आई विल चेयर फॉर ऑल द प्लेयर, सब मेरा भाई विराट है तो फिर उन लोग के लिए चेयर करना चाहिए, मैं जरूर करूंगी। तो विराट भाई हैं और विराट भाई पे बहुत कुछ निर्भर करता है मदन जी, क्योंकि विराट भाई जो है इस वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी छोड़ रहे हैं, और यहाँ से आगाज आपको करना है क्योंकि भले ही आपकी टीम, आपके पूल में न्यूजीलैंड भी है, आपकी टीम में एक बार दुबई की तस्वीरें दिखा दें, वहां के फैंस क्या कह रहे हैं। सबने अपना अपना धुन बना लिया है, कंपोज कर लिया और सब यहाँ पर। ये कौन सी जर्सी है विक्रांत? समझ नहीं आया,
कीवीज की जर्सी आज ही पहन ली। हाँ, वो भी आज भारत को सपोर्ट करने पहुंचे नहीं, क्योंकि पाकिस्तान से, अच्छा पाकिस्तान ने कहा भी था ना कि वो कीवीज को ही हराना चाहते हैं। सलाम क्रिकेट में मतलब मैं दंग रह गया, क्योंकि शोएब ने भी बार बार कहा कि इंडिया तो ठीक है, शायद वो समझ गए कि इंडिया ठीक है, मतलब भाई अब आपको कहाँ हराएंगे, लेकिन हमने न्यूजीलैंड को हराना है। ये सब बातें जो है, न्यूजीलैंड को हराना है क्योंकि हमारे मुल्क से चले गए थे, ये इनकी जरूरत पड़ती है? मुझे नहीं लगता कि ये सब बातें करने की जरूरत थी, पर वहाँ बहुत सी और भी बातें हुई थी जिसकी शायद जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम क्रिकेट डिस्कस करने गए थे, वहाँ कुछ मुद्दे और ही शुरू हो गए थे, हमने काट दिए। अच्छी बात है क्योंकि हम क्रिकेटर हैं, क्रिकेट की बात करें तो ज़्यादा हम लगेंगे अच्छे कि हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि बाकी के मुद्दे बहुत बड़े हैं, हमारी समझ से, मेरी समझ से तो बाहर हैं। और मुझे नहीं लगता है कि जो बाकी के मेरे साथ वहाँ क्रिकेटर बैठे थे मंच पे, एक दो को छोड़ के किसी को ज़्यादा इस बाकी की चीज़ों की नॉलेज है भी, कईयों को तो अपनी गेम की भी नॉलेज है, वो भी बात कर रहे थे वहाँ पे। शोएब ने ट्वीट भी किया बड़ा मजेदार, आपको पता कि नहीं, वो जो घबराना नहीं है, वो एक्चुअली इमरान खान ने जब इनकी टीम नीचे लगी हुई थी तो उन्होंने अभी कहा था ना कि घबराना नहीं है, तो उन्होंने शोएब ने आज ट्वीट किया है बाकी सब ठीक है पर घबराना मत। यानी कि ये इसका मजाक ही बन जाता है विक्रांत, मुझे वही नहीं समझ आया कि उन्होंने अपनी टीम के फेवर में ये कहा है या फिर मदन जी, ऐसे में जब इतने बयान चल रहे होते हैं उसमें अगर विराट कोहली आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम को वो किसी भी तरीके से कम नहीं आंक रहे, बहुत बैलेंस, जो कि देखिए भले ही एक ऐसा बयान होता है जो आपको सार्वजनिक रूप से देना है, लेकिन खेल आपको मैदान में दिखाना है, बातें आपको बैलेंस्ड करनी है मैदान से बाहर। देखिए यही कैप्टन का होता है कि ये जो बात करे बैलेंस है, क्योंकि बैलेंस से करे, क्योंकि देखिए ये मैच है, इसमें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये 2020 का गेम है, कभी भी इसमें अगर आपके हाथ से गेम निकलता है तो बिल्कुल ही वापस आने के चांसेस कम रहते हैं। पर विराट जो है बड़ा एक समझदार खिलाड़ी है, और विराट की अभी विक्रांत ने भी बात की थी, मैं खुद चाहूंगा कि विराट टूर्नामेंट जीते, क्योंकि देखिए उसकी कंट्रीब्यूशन जो भारतीय टीम के लिए रही है बहुत बेहतरीन कंट्रीब्यूशन रही है, और उसने भारत की टीम को बनाया है। अगर आप देखें, अगर आप अभी 4-5 साल से MS धोनी के बाद जब इन्होंने छोड़ा है, उसके बाद विराट ने टीम को बनाया है और टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंचाया, और मैं चाहूंगा कि ये टाइटल वो जीते, ये मेरी दिली तमन्ना है, क्योंकि इतनी कंट्रीब्यूशन करने के बाद तो बनता है ना उनका। अच्छा, सारे लोग जो हैं वो अपने तरह से बधाइयां दे रहे हैं, हार्डी संधु ने किस तरह से शुभकामनाएं दी हैं सुनाते हैं। अगर हम इंडिया वाले तो हम तो हमेशा यही उम्मीद लगा के चलेंगे कि इंडिया जीतेगा, और डेफिनेटली इंडिया जीतेगा, बिकॉज इस टाइम टीम बहुत स्ट्रांग है, एंड इवन आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड दैट MS धोनी इज विद द टीम एज अ मेंटर, तो लेट्स सी। मैच से पहले टीम इंडिया विराट कोहली और उनके बॉयज के लिए, मैं तो देखो इस गाने के लिए तो ऐसी सिचुएशन के लिए परफेक्ट गाना मेरा नहीं है, पर इट्स चक दे इंडिया। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, इंडिया इज गोना विन। अच्छा, हार्डी संधु का मदन जी और भज्जू दोनों से रिश्ता है, आपको पता है? अच्छा, वो जो 1983 मूवी है उसमें मदन जी का रोल प्ले कर रहे हैं, और भज्जू से पूछिए, वो पंजाब की तरफ से खेलते थे इंडिया अंडर 19, उन्होंने तेज गेंदबाजी की। अरे वाह, तो ये चक्कर है। तो ये बताते हुए ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि क्रिकेट की बातें भी हो रही हैं यहाँ पर, हम थोड़ा इसके बाद एनालाइज भी करेंगे कि बाबर आजम को अगर कहा जाता है कि विराट कोहली की के रास्ते पर चलते हुए आगे बढ़ेंगे, विराट कोहली को वो अपना आइडल बोलते हैं, तो कैसा टकराव होगा। लेकिन ब्रेक से पहले मुझे लगता है कि हम दिल्ली चलते हैं। नितिन है मेरे साथ, नितिन ये क्रिकेट के बच्चे हैं या फिर कुछ और ही है? सर ये आप क्रिकेट के बच्चे हैं, और जो जोश आप देख रहे हैं यहाँ पर, हर उम्र के बच्चे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टीम इंडिया के लिए ये चीयर कर रहे हैं, और चाहते हैं कि इस बार जो है अब जो हमारा रिकॉर्ड है वो कायम रहे और ट्रॉफी जो है वो फिर से वापस भारत आए। बात करते हैं सर कुछ बच्चों से, और जानते हैं आपको क्या लगता है कि जो हमारा रिकॉर्ड है, आप जब अभी इंडिया और पाकिस्तान जब भी खेलती है आमने सामने, जीत जो है वो भारत की झोली में आती है। आज भारत अपने T20 वर्ल्ड कप का आगाज कर रहा है, खासतौर से पाकिस्तान के खिलाफ, आप कैसे देखते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूंगा कि बेसिकली T20 सर पाकिस्तान एक भी मैच नहीं जीता पाकिस्तान से, और हमें उम्मीद है सर इस बार भी इंडिया ही जीतेगा, और ये हम रिकॉर्ड क्रिएट करते रहेंगे। और भी बच्चे हमारे साथ, इनसे जानते हैं आपका नाम क्या है? अनमोल। अनमोल, आज आप कौन से प्लेयर को, इंडिया के कौन से प्लेयर को सपोर्ट कर रहे हैं और क्या चाहते हैं? ऋषभ पंत। ऋषभ पंत अच्छी बैटिंग भी करता है, विकेट की हमें पता है। आते हैं आपके पास
क्योंकि एक छोटा सा ब्रेक लेना है और तो आप चाय पीनी थी, आप मिठाई भी ले सकते हैं। मिठाई भी ले सकती हूँ, आज मिठाई तो खाएंगे हम मैच के बाद। आपके पास भी मिठाई रखी है मैच के बाद, लेकिन पहले से तैयारी आपने कर ली है इलेक्शन की तरह से मुझे लग रहा है। अच्छा इलेक्शन में क्या मिठाई खिलाते हैं? मिठाई पहले से तैयार करते हैं दोनों पक्ष, लेकिन यहाँ पर सिर्फ भारत में तैयारियां हुई हैं क्योंकि आत्मविश्वास हमारा जोश हाई है। एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, वो भी चलते हैं ना इस्लामाबाद थोड़ी देर बाद, ब्रेक के बाद लौटते हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि आज तक पर तो ये अगले दो घंटे हम रहेंगे आपके साथ, सुनील गावस्कर भी रहेंगे, वसीम अकरम भी आएंगे, मदन जी हैं, हरभजन है, पूरा हिंदुस्तान भी है, लेकिन एक छोटा सा चैनल और है जिसका नाम है स्पोर्ट्स तक, यूट्यूब पर आता है, और अगर आप वाकिफ नहीं है तो प्लीज एक बार जाकर वहां पर भी सब्सक्राइब कर दीजिए। छोटे से ब्रेक के बाद काउंटडाउन ही चल रहा है क्योंकि अब से ठीक दो घंटे बाद मैच शुरू होना है, 90 मिनट के बाद टॉस होना है, 90 मिनट के बाद टॉस होना है, और बातचीत का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। हम यहां पर नोएडा स्टूडियो में हरभजन सिंह हैं, मदन लाल जी हैं, और साथ ही साथ इस्लामाबाद में वसीम अकरम साहब भी जुड़ गए हैं, दुबई से सनी भाई तो हैं ही। और वसीम भाई थैंक यू, आपने वक्त निकाला, लेकिन इंडिया में तो बड़ा गर्म जोशी से लोग कह रहे हैं कि जल्दी से मैच आ जाए, जल्दी से मैच आ जाए। सिर्फ इंडिया में नहीं है, दुबई के लोग भी हैं, दुबई में भी, दुबई में जर्सी पहन के लोग निकल चुके हैं स्टेडियम के लिए, उन्हें भी मालूम है कि वहां पर जल्दी से जल्दी पहुंच जाना है क्योंकि इसकी एक गेंद भी आप मिस नहीं कर सकते हैं। तो दुबई में भारत के जो सारे फैंस हैं वो सब स्टेडियम के नजदीक इस समय से ही मौजूद हैं, और पीछे गाड़ियों को देख लीजिए, देख लेंगे अभी से किस तरह से वहां पर ट्रैफिक जाम हो रहा है, किस तरह से ट्रैफिक जाम हो रहा है, लोग गाड़ियां छोड़कर भी आ गए, और ये घुड़सवार पुलिस वहां की बड़ी प्रसिद्ध भी है ताकि लोग अपनी अपनी लाइनों में अपनी पंक्तियों में चलते रहें, गाड़ियां इधर से उधर न जाएं मैच की हड़बड़ाहट में। तो आगे जितने भी भारतीय फैंस हैं, पीछे एक विक्रांत मुझे पाकिस्तान का झंडा भी नजर आया, और ये देखिए पाकिस्तान के फैंस भी आ गए हैं। वसीम भाई सपोर्ट तो वहां पर, मतलब ये तो दुनिया में कहीं पर भी मैच होगा, चांद पर भी होगा, तो शायद नीली जर्सी दिखेगी, ये फैक्ट है, लेकिन आप वहां पर बैठकर, क्योंकि आपने ये माना है कि भारत फेवरेट है, इंडिया फेवरेट है, और आपका ये कल कहना था कि चूंकि ये T20 है तो चलो पाकिस्तान को भी आप मानते हैं कि दे कैन विन, बट क्या एक्चुअली पाकिस्तान के पास वो ताकत है अगर आप प्लेयर वर्सेस प्लेयर देखते हैं तो? हे विक्रांत, है श्वेता, यस डेफिनेटली पाकिस्तान के पास वो ताकत है जो आप कह रहे हैं, ये गेम है, इट्स नॉट रेसलिंग थोड़ी है कि जो स्ट्रांग है वो जीतेगा, स्ट्रेटजी चाहिए, प्लानिंग चाहिए, आपको मैच विनिंग बॉलर्स चाहिए, जो पाकिस्तान के पास शाहीन शाह अफरीदी में है, फिर हसन अली है, फिर हारिस राउफ है, फिर आपके पास दो स्पिनर है, हमारे पास शादाब है, फिर इमाद वसीम है, सो यह प्रेपरेशन तो दोनों टीमों की पूरी है, इंडियन डेफिनेटली फेवरेट टीम है, बट ये तो खेल के बाद पता लगेगा कि किसके नर्व्स ज्यादा स्ट्रांग है, कौन प्रेशर को होल्ड कर सकता है, कौन टेंशन को होल्ड कर सकता है, वो टीम जीत। सत श्री अकाल वसीम भाई, बज्जी बोल रहा हूँ। सत श्री अकाल जी, हाउ आर यू सर जी, ठीक ठाक है बज्जी जी? बहुत बढ़िया है पाजी, मेरा एक जस्ट आपसे सवाल था, क्योंकि आप बहुत बड़े फास्ट बॉलर रहे हो, क्योंकि आप शायद मेरे से ज्यादा बेटर बता सकते हो कि जैसे जिस जो मेरी सोच है, जसप्रीत बुमराह एक वाहिद ऐसे बॉलर हैं वर्ल्ड क्रिकेट में जो अगर प्रेशर सिचुएशन में 6 बॉल में अगर 8 रन या 6 रन बचाने हो तो इंडिया के पास जसप्रीत बुमराह है, क्या पाकिस्तान के पास ऐसा कोई हुक्म का इक्का है जो 6 बॉल में 6 रन बचाने हो तो कौन कर सकता है वो काम पाकिस्तान के लिए? भजी बुमराह डेफिनेटली समथिंग वेरी स्पेशल, समथिंग वेरी डिफरेंट, बड़ा ऑड एक्शन है उसका, अब उसने वो जो वाइड आउट क्रीज जाके जो नए गेम से आउटस्विंग करता है उससे उसको विकेटें मिलती है, ये शॉर्टर फॉर्मेट में भी, और यॉर्कर एट विल जो कि दुनिया में बड़े काम बोल रहे हैं आजकल ये क्रिकेट में ये कर सके, बुमराह इज वन ऑफ देम, उसका मुकाबला करने के लिए, पाकिस्तान से मुकाबला तो नहीं कह सकते मगर वहां तक जो आहिस्ता आहिस्ता जहां बुमराह भी खड़ा है अपने करियर में वहां तक पहुंचने के लिए आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब शाहीन शाह अफरीदी आ रहा है, वो भी है भी अभी 21 सालों का है, भी 6'6" लेफ्ट आर्मर है, आपने देखा होगा नया गेंद वो अंदर लेके आता है और कोशिश करता है कि नए गेंद से उसको विकेट मिले, और वो आपको बताता चलो दुनिया में टॉप पे है इस वक्त पहले ओवर में विकेट लेने वाला, उसके 21 विकेट हैं फर्स्ट ओवर में नए बॉल से जो उसने विकेट ली है, सो दैट शोज के ये शाहीन शाह अफरीदी विकेटों के लिए जाता है। थोड़ा सा शायद हमें प्रॉब्लम हो हारिस राउफ के साथ, बिकॉज अगर उसके ओवर पाकिस्तान 17 ओवर से पहले खत्म कर ले तो बेहतर होगा, बिकॉज उसको एंड में आखिरी एक ओवर में उसको देखा था चौका या बाउंड्री लग जाए, सो थोड़ा सा अंडर प्रेशर आया था, उसकी लेंथ और लाइन ठीक नहीं रहती। जी वसीम भाई, वैसे जब आप और वकार यूनिस खेलते थे तो सबको पता था
कि अगर लास्ट दो ओवर में 5 रन भी चाहिए, 4 खिलाड़ी उनके पास मौजूद हैं, तो पाकिस्तान शायद मैच जीत सकता है। और कई बार आपने करके भी दिखाया, बट आज हमें बड़ा फख्र होता है कि इंडिया के पास ऐसी बॉलिंग है। मोहम्मद शामी है, जसप्रीत बुमराह है, इन्होंने भी ऐसा काम कर दिखाया है। और मैं अभी KKR के ग्रुप में था और वहाँ भी सब ने बड़ी आपकी तारीफ करी कि बहुत कुछ आपसे सीखने के लिए मिला, उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और कहीं जसप्रीत बुमराह मिले तो उसको भी 2 गुण और सिखा देना। आप तो भज्जी, आप तो बुमराह को हमें सिखाना पड़ेगा जिस स्टेज पे वो पहुंच गया। I suppose, but coming back to you know, I worked with Shami as well for 3 years in KKR. वो उसको सीखने का बहुत शौक था, वो मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप भी करने जाता था, पिक भी करने आता था ताकि मेरे साथ टाइम गुजार सके। कुलदीप बीइंग अ स्पिनर, उसने बड़ा कुछ सीखा। आई थिंक बॉलिंग इज नॉट जस्ट के फास्ट बॉलर को सिखाया जाए, इट्स मोर अबाउट कि उनको उनका बॉलिंग की जो साइकी होती है, मैंने आउट कैसे करना है, ट्रैप कैसे बिछाना है, हर सिचुएशन में बॉलिंग कैसे करनी है। तो वो मुझे बड़ा एंजॉय किया अपना स्टेट नाइट राइडर्स के साथ। वसीम भाई, क्या हाल है आपके? मदन लाल बोल रहा हूँ। वालेकुम सलाम। मेरा एक ही सवाल है कि देखिए, जब पाकिस्तान के अगर 1-2 खिलाड़ी आउट हो रहे हैं तो वो उनकी सारी टीम जो है कलेप्स करती है, क्या आपके पास ऐसे बैट्समैन हैं जो बाद में अगर 1-2 गिरते हैं, इस क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, पर उसके बाद कैरी फॉरवर्ड कर सकती है ताकि वो उस प्रेशर से निकल सकती है या नहीं निकल सकती? बिल्कुल मदीबा, हमने 2 जो इन्होंने रखे हैं प्लेइंग 11 में, हम 12 जो अनाउंस किए हैं उसमें हफीज भी है जो कि अच्छी फॉर्म में नहीं है इस साल। पिछले साल उसकी फॉर्म बहुत जबरदस्त थी, 80 के एवरेज से, 150 के स्ट्राइक रेट से। इस साल उसने 2021 में सिर्फ आई थिंक 14 मैचों में 9 इनिंग्स में 106 रन से। वो है, बट वो एक्सपीरियंस है, बड़ा मैच है। फिर शुएब मलिक को ये लेके आए लास्ट मिनट, अगर खुदा ना खासा ऊपर से 2 विकेटें गिरती हैं तो ये लड़के इनिंग को संभाल सकते हैं। और अगर पावर हिटिंग में जाते हैं उसके बाद आपके पास 6 पे आसिफ अली है, जिसको इंडिया ने बड़ा कम देखा है, उसने डोमेस्टिक में और PSL में वो एक्चुअली प्रॉपर फिनिशर है, स्पिनर्स को भी मारते हैं बड़े बड़े छक्के और फास्ट बॉलर्स को भी, उसका चलना जरूरी है। फिर इमाद कैन बैट, शादाब जो वाइस कप्तान है वो नंबर 8 पे आते हैं, वहां बैट पाएगा। फिर हसन अली, ही कैन ऑल्सो वैक, उसने अभी पिछले दिनों फर्स्ट क्लास के फाइनल में नीचे से आके 100 किया है। सो या आई थिंक जहां तक पाकिस्तान टीम का ताल्लुक है, एक कंप्लीट साइड लग रही है। 5 बॉलर भी हैं, 6 में 7 में आप हफीज भी 2 कर सकता है, एक आधा शोएब मलिक भी कर सकता है अगर जरूरत पड़ी तो, और उसके बाद 5 रेगुलर बॉलर। वसीम भाई, जो भज्जू ने शुरू में ही पूछा था आपसे कि हमारे पास जैसे एक जसप्रीत बुमराह कह सकते हैं कि हमारा एक्स फैक्टर है, क्या पाकिस्तान की टीम के पास कोई एक एक्स फैक्टर आप किसी पर दांव लगाना चाहेंगे? बॉलिंग में तो मैं डेफिनेटली शाहीन अफरीदी को ही लगाऊंगा, और बैटिंग में देखा जाए तो जैसे सारी नजरें विराट और रोहित की तरफ हैं, KL राहुल को लोग भूल जाते हैं कि वो कितना डेंजरस है। फिर आपके पास पंत है, वो कितना डेंजरस है, और पाकिस्तान के पास रिजवान और बाबर, आई थिंक इस वक्त दुनिया की बेहतरीन ओपनिंग जोड़ी है। ऑल दो रिजवान मेकशिफ्ट ओपनर बना था, बट नाउ उसने अपनी जगह सीमेंट कर ली है, पक्की कर ली है पाकिस्तान के T20 या शॉर्टर फॉर्मेट में ओपनर। और 3 पे आपके पास अगर वो फखर को खिलाएंगे तो फखर ने प्रैक्टिस मैच में 40-50 किया है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 3 पे वो आएगा बीइंग ए लेफ्ट हैंडर। 4 पे आपका हाफिज आएगा, 5 पे शुएब मलिक आएगा, 6 पे आसिफ अली आएगा, 6 तक तो प्रॉपर बैट्समैन है, और उसके बाद 2 ऑलराउंडर हैं, 2.5 ऑलराउंडर कहूंगा, हसन भी है। सो या आई थिंक मैं तो अगर आप चाहते हैं तुरुप का पत्ता जिसे हम कहेंगे पाकिस्तान की बॉलिंग में, तो वो शाहीन शाह। सर भाई, किसी जमाने में कहते थे इंडिया बैटिंग वर्सेस पाकिस्तान बॉलिंग, अब इंडिया के पास भी वो बॉलिंग है और वसीम भाई कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास बैटिंग है, लेकिन अगर आप तराजू में तोलते हैं कौन सी टीम भारी है? या मेरे से पूछ रहे हैं विक्रांत जी? नहीं नहीं, सनी भाई से सॉरी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये एक मैच है ना, ये पहली मैच है, अगर ये मैच लीग की अगर ये आखिरी मैच होती तो दबाव दुगना होता, क्योंकि ये पहली मैच है। जो भी टीम जीतेगी जो भी टीम हारेगी वो जानते हैं कि आगे जाकर उनके पास मैचेस है, और जिस तरह से ये जो क्वालिफाइंग मैचेस हुए हैं, जो क्वालिफाइंग मैचेस में एक तरफ से वो एक श्रीलंका और बांग्लादेश जो क्वालिफाई हुए वो एक दूसरे ग्रुप में चले गए,
तो वो ग्रुप और ज्यादा मजबूत बन गया। मैं ये नहीं कहूंगा कि स्कॉटलैंड और नामीबिया के भारत पाकिस्तान के के ग्रुप में आने से बोझ थोड़ा सा हल्का हो गया, क्योंकि 2020 का तो फॉर्मेट है, 2020 फॉर्मेट पे कुछ भी होता है, पर फिर भी अगर श्रीलंका बांग्लादेश होती इस ग्रुप में तो और भी ज्यादा दबाव बनता, क्योंकि उसके बाद में अगर आज के मैच के बाद में अगर कोई टीम हार जाती तो वो कहती कि हाँ भाई आगे जाकर हमें इनका भी सामना करना है, ये आसान नहीं होगा, तो दबाव और ज्यादा बढ़ जाता। श्वेता, आपको याद होगा सलाम क्रिकेट में भी ये सवाल हमने पूछा था, जो एक गाला सेशन था जिसमें 9 सुपरस्टार्स हमारे साथ उस पोडियम पर थे, और सबसे ये पूछा गया था कि एक एक एक्सपेक्टर अगर आप चुनते हैं तो कौन सा होगा। ये रोहित शर्मा नंबर वन प्लेयर है, अगर रोहित शर्मा जब भी स्कोर करते हैं तो इंडिया कभी भी मैच हारते नहीं, तो एक एकदम फ्री फ्लोइंग बैट्समैन है और जबरदस्त बैट्समैन है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो अच्छा स्टार्ट दें, क्योंकि उनके ऊपर भी काफ़ी प्रेशर, ऐसा नहीं कि जो भी देखिए जो बड़ा प्लेयर होता है उसके ऊपर 100% प्रेशर होता ही है, वो उसका खुद अपने ऊपर प्रेशर होता है, उसके बाद में लोग भी बात करते हैं प्रेशर होता है, तो मैं समझता हूँ रोहित शर्मा बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। हमारा ओपनिंग पार्टनरशिप KL और रोहित का पार्टनरशिप, जो स्टार्ट वो दे सकते हैं और जो जिस फ्रीडम से वो लोग खेलते हैं, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और बड़ा एक्सपेक्टर रहेगा हमारे सक्सेस के लिए। मेरे हिसाब से टॉप ऑर्डर, जैसे रॉबिन ने कहा कि हमारा टॉप ऑर्डर बहुत ही अच्छा है, उसके साथ हमारी गेंदबाजी काफ़ी इम्प्रूव हुई है सारे फॉर्मेट में, सिर्फ टी ट्वेंटी में नहीं बट सारे फॉर्मेट में, बट T20 में मेरे ख्याल से जैसे जसप्रीत गेंदबाजी कर रहे हैं उसके साथ एक और अगर फास्ट बॉलर उनको अच्छी तरह से सपोर्ट करे या तो स्ट्राइक बॉलर बने तो हमारी गेंदबाजी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और जडेजा का एक्स फैक्टर तो है ही, क्योंकि वो ऑलराउंडर है और उनकी बल्लेबाजी उन्होंने काफ़ी अच्छी इम्प्रूव करी है अभी, तो उनके साथ स्पिनर का कॉम्बिनेशन डिपेंडिंग ऑन द मैच जो खिलाएंगे तो वो मैटर करेगा, बट आई फील दैट आर बोलिंग हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट एंड दैट विल बी अ प्लस पॉइंट। मुझे लगता है मिडिल ऑर्डर बैटिंग, सूर्य कुमार यादव एंड हार्दिक पांड्या। क्यों कह रहा हूँ, पहले हमारी बैटिंग अलग होती थी जब MS धोनी नीचे गेम ख़त्म करते थे, वो जाने के बाद ज़्यादा प्रेशर टॉप ऑर्डर पे आ गया है, तो वो चीज़ बदलनी है। प्रेशर हमेशा किसी एक के ऊपर नहीं रह सकता है, वो हमेशा टीम गेम जब कहते हैं ना तो वो फ्लोट करना चाहिए, कभी बॉलर संभाल रहे हैं, कभी स्पिनर संभाल रहे हैं, कभी टॉप ऑर्डर, कभी मिडिल ऑर्डर। ये दुबई की तस्वीरें हैं, तस्वीरें आती ही जा रही हैं और लोग भी आते जाते जा रहे हैं, लेकिन लोग जो हैं वो देखिए अभी भी द ब्लू ब्रिगेड optimism is obviously high right now. We are all hoping for the best. Ultimately we're here to see great cricket, cricket at the highest level. We want to see Team India play out here against a team that there is so much history with. This is, we're all teed up for a historical game. This is going to go down in the books and we can say we were there, man. We were there. Akshay, what's your take? Means India-Pakistan match, it can't get any bigger and better. Means it's a mother of all battles. What would you say? चलिए वैसे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हमने 11 चुनवानी है भारत की, हालांकि वसीम भाई ने पाकिस्तान के 12 में से 11 तो चुन दिए हैं, इंडिया की 11 क्या होगी? मदन जी हैं, सनी भाई हैं, हरभजन सिंह भी हैं, लेकिन वही ना, एक छोटा सा चैनल है जी यूट्यूब पे जिसका नाम है स्पोर्ट्स तक, और स्पोर्ट्स तक को आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप के जरिए भी, क्योंकि इस ऐप में श्वेता पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है, आपको मैच के हाइलाइट्स भी मिलते हैं, लाइव स्कोरें भी मिलती हैं और आपको सारे आर्टिकल्स और खबरें तो मिलती हैं। तो हम टीम के सिर्फ उस 11 खिलाड़ियों की बात नहीं करेंगे बल्कि 12वां जो है महेंद्र सिंह धोनी उसकी भी बात करेंगे। पहली बार एक मेंटोर के तौर पर वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ, धोनी का फैक्टर भी किस तरह से काम करेगा, इस ब्रेक के बाद देखते रहिए आज तक।